नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अगले आधे घंटे हम दोनों आपके साथ होंगे और आपको ताजी खबरें उससे जुड़ी अपडेट बताते रहेंगे। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीधे यूक्रेन से, जहां पर पीएम मोदी मौजूद और इस वक्त ये महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर सीधे आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी और ये वही की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कीव में वो पहुंचे और वहां पर जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा है वहां पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा और वहां पर जो भारतवासी हैं, जो भारत के लोग वहां रहते हैं, उनसे भी पीएम मोदी ने मुलाकात की थी और भारतीयों में उत्साह आपने देखा था। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा जहां पर है वहां गए पीएम मोदी और वहां पर जाकर के पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर आपको हम वहीं की दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, इस वक्त कुछ देर पहले की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे महात्मा गांधी के स्टैचू पर। उन्होंने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और वहां पर जो भारतीय समाज के लोग हैं और भी लोग जो वहां आए हुए हैं वो उनका स्वागत कर रहे थे। पीएम के साथ वो सेल्फी ले रहे थे, उसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव के दौरे पर हैं, 7 घंटे आज वो वहीं पर कीव में बिताने वाले हैं। जेलेंस्की से मुलाकात का कार्यक्रम है, दो पक्षों में मतलब भारत और जो यूक्रेन है उसके बीच में कई मुद्दों पर बातचीत होगी। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। और फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के स्टैचू पर पुष्प अर्पित कर रहे थे। जी, तो ये तस्वीरें जो भी अपडेट वहां से सामने आएंगी उससे आपको लगातार हम रूबरू करवाएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस पर इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। आरोपी संजय रॉय को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 6 सितंबर तक संजय रॉय को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है। संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है और संजय रॉय को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आरोपी संजय रॉय उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 6 सितंबर तक संजय रॉय को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ये बड़ी अपडेट, 6 सितंबर तक भेजा गया है उसे। अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाना है, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए वो तैयार भी है, सहमति उसने दे दी है। सियालदह कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 6 सितंबर तक उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आरजीकल मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज में जो रेप और मर्डर का कांड हुआ था उसका जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसे 6 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वरुण जैन जुड़ गए हैं हम इस खबर को विस्तार देने के लिए। वरुण, पूछताछ की जाएगी इससे 6 सितंबर तक जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है? देखिए नहीं बिल्कुल, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया था, उसी दौरान सीबीआई ने केस को रिकवर किया था, तो सीबीआई की कस्टडी में था। 14 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी थी, ऐसे में जब कोर्ट अदालत के सामने पेश किया तब सीबीआई ने 1 दिन की कस्टडी और मांगी, लेकिन 14 दिन की क्योंकि पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी थी, उसके बाद अदालत के जो आरोपी है संजय रॉय उसको जो जुडिशियल कस्टडी है। जी ठीक है वरुण। तो वरुण ये जानकारी दे रहे थे कि उसको पॉलीग्राफ टेस्ट भी उसका होगा। इससे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है संजय रॉय का, तमाम खुलासे उसमें भी हुए हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और उसमें भी बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं ये कहा जा रहा है, और उससे न्यायिक हिरासत में लगातार पूछताछ होगी। रखे बात, स्वागत है आपका। आपको याद दिला दें, कोलकाता में डॉक्टर बेटी से दरिंदगी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। एबीपी न्यूज पर इसी कांड से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा जरूर देखिएगा रात 8 बजे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी का हल्ला बोल, कोलकाता केस के खिलाफ यहां पर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। बड़ी खबर बंगाल के नंदीग्राम से है, जहां पर बीजेपी का हल्ला बोल, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की जानकारी सामने आ रही है।
बैरिकेड हटाकर पुलिस स्टेशन में घुसे बीजेपी के कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी खबर है बंगाल के नंदीग्राम से, बड़ी खबर जहां पर ये देखिए आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए। कोलकाता रेप एंड मर्डर कांड को लेकर ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और टीएमसी सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल किया जा रहा है। ये खबर आ रही है कि पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प वहां पर हो गई, जिसकी तस्वीर आपको हम वहां से दिखा भी रहे हैं। बैरिकेड जो वहां पर पुलिस की ओर से लगाया गया था उसको तोड़कर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, खबर ये कि वो पुलिस स्टेशन में घुसे हैं। दो तस्वीर उसी की आपको दिखा रहे हैं, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प लगातार। इस पूरे की मामले को लेकर देश भर में गुस्सा है, ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये शुरुआती तौर पर लापरवाही है और बीजेपी टीएमसी को लगातार घेर रही है। ये तस्वीर नंदीग्राम की आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर और ये हल्ला बोल करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक मुलाकात हो चुकी है और दूसरी मुलाकात जारी है। दोनों की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति निवास में जिस जगह पर हुई वहां से संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेसिडेंशियल पैलेस में जहाँ पर मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में अभी मुलाकात हुई और ये जो टेबल पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर मोदी ने मैसेज लिखा है, तीन पेज का जो मैसेज लिखा है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें प्रोसेस और प्रॉस्पेरिटी को लेकर, प्रोग्रेस को लेकर एक संकेत दिए, एक मैसेज दिए, यहाँ पर साइन किए हैं। और ये संदेश देने के बाद, मैसेज लिखने के बाद, जेलेंस्की के साथ इसी रास्ते से प्राइम मिनिस्टर इस तरफ गए हैं जहाँ पर आगे की बाकी सारी बातचीत होगी। ये दोनों के बीच की बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच दो साल से जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति का कोई मसौदा बाहर निकलेगा या नहीं, इसीलिए आज इस प्रेसिडेंशियल पैलेस पर न सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, लेकिन अब इस मीटिंग से क्या मैसेज बाहर निकल कर आता है वो सारी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। वहां पर जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे भी पीएम मोदी मिले, उन्होंने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और जब महात्मा गांधी के स्टैचू पर पीएम मोदी पहुंचे ये उसी वक्त की तस्वीर आपको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं। यहां पर पुष्पांजलि अर्पित की पीएम मोदी ने और साथ ही एक मुलाकात उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से हो चुकी है, दूसरी मुलाकात उनकी जारी है, खबर ये सामने आ रही है। और इस बीच में जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो आपके सामने, जब कीव पहुंचे पीएम मोदी पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर है भारतीयों से मुलाकात की पीएम मोदी ने। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जो वहां पर रहते हैं वहां मौजूद थे और पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचे तो कैसे उन्होंने पूरे उत्साह के साथ, गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया, ये उस वक्त की दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस दौरान जय श्री राम के नारे भी वहां पर लगे, भारत माता के जय के नारे भी वहां पर लगे। और तीसरी तस्वीर भी आपने देखी और ये तस्वीरें जो वहां से आ रही है वो एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं। अब मोदी का शांति पैगाम जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा, आप जानते हैं कि 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग के हालात बने हुए हैं और इस बीच पीएम मोदी का ये कीव दौरा, कीव में जेलेंस्की से मिले पीएम मोदी, दूसरी मुलाकात जारी है दोनों के बीच में और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, अब दोनों की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अब यहां से क्या संदेश पीएम मोदी देंगे और क्या संदेश दोनों की मुलाकात से बाहर निकलेगा उस पर लगातार निगाहें हैं, वो यूक्रेन की निगाहें हो, भारत की हो, रूस की हो या फिर पूरी दुनिया भर की निगाहें हो। तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात, तमाम मुद्दों को लेकर बात भी होगी और साथ ही जो भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, उन्होंने भी पहले यह कहा था कि पीएम मोदी से उनकी थोड़ी सी जो मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने ये कहा कि युद्ध रुकवाने के लिए आपकी भूमिका पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कीव की, राष्ट्रपति यूक्रेन के जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति निवास में और भारतीय मूल के लोगों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की, साथ ही वहां पर पीएम मोदी का किस तरीके से वेलकम हुआ, किस तरीके से स्वागत किया गया उसकी तस्वीरें भी आपने देखी।
और सवाल ये कि क्या जो वॉर की सिचुएशन है रूस और यूक्रेन के बीच में, अब उस पर विराम लग पाएगा? क्या कोई शांति समझौता यहां पर होगा? अब लगातार निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये यूक्रेन दौरा अपने आप में बहुत खास हो जाता है और अलग अलग हिस्से की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। दोनों ही ओर से, रूस और यूक्रेन की ओर से जो एक दूसरे पर हमले जारी हैं। हालांकि आज के दिन के लिए रूस कोई हमला यूक्रेन पर नहीं करेगा, ये भी जानकारी वहां से सामने आई। लेकिन जो वॉर की सिचुएशन है दोनों ही देशों के बीच में, 2.5 साल का वक्त बीत गया है, जंग के हालात अब भी बने हुए हैं और ऐसे में पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचे हैं, कीव पहुंचे हैं, तो उम्मीदें जाहिर सी बात है वो बढ़ जाती हैं जो लोग वहां पर रहते हैं उनकी। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा, इससे पहले पोलैंड वो गए हुए थे, वहां की तस्वीरें भी जो सामने आई वो आपने देखी, और पोलैंड से सीधे फिर पीएम मोदी पहुंचे कीव और यहां पर उनको किस तरीके से रिसीव किया गया, जो लोग वहां पर भारतीय मूल के हैं उन्होंने पीएम मोदी का किस तरीके से स्वागत किया, उनके सम्मान में किस तरीके से नारे वहां पर लगाए गए। और इससे थोड़ी ही देर पहले पीएम मोदी महात्मा गांधी की स्टैच्यू पहुंचे हुए थे जहां पर उनकी प्रतिमा है, और वहां जाकर के उन्होंने पुष्प अर्पित भी किया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और ये ज़ेलेंस्की के साथ में, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। युद्ध विराम कब होगा दोनों ही देशों के बीच में? ये जो युद्ध के हालात बने हुए हैं वो कब थमेंगे? जो जंग के हालात हैं उस पर विराम कब लगेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और इससे पहले जब पोलैंड में भी थे पीएम मोदी तो वहां से उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की थी कि किसी भी समस्या का समाधान जंग नहीं हो सकता है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से रास्ता निकालना होगा यूक्रेन संकट का, इस पर जोर दिया था पीएम मोदी ने। अब यहां पर जब मुलाकात के बाद अपनी अपनी बात रखी जाएगी तो क्या कुछ बातें यहां से पीएम मोदी कहते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश यहां से करते हैं, उस पर भी लगातार नजर होगी। यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं कीव में। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच पीएम मोदी का यह दौरा कीव का बहुत अहम हो जाता है। पीएम मोदी की रूस यात्रा 9 जुलाई को, आपको वो तारीख भी याद होगी, रूस भी गए थे पीएम मोदी से पहले, और मॉस्को से व्लादिमीर पुतिन के साथ में उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। अब दोनों ही देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं उसको भी आप समझ सकते हैं। इससे पहले रूस गए, वहां पर व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की, मॉस्को से वो तमाम तस्वीरें सामने आई, और अब ये महीना के अगस्त का जब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, और यहां कीव से राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ में उनकी मुलाकात की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। युद्ध के खिलाफ भारत की कोशिश क्या रंग लाएगी, इस पर पूरे देश के साथ साथ दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। गुरुवार रात को पोलैंड से रवाना हुए पीएम मोदी और फिर वो पहुंचे कीव 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के जरिए, और कीव में भारतीय समुदाय के लोगों ने किस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम ने फॉमिन बोटैनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें थी वो भी हमने आपको दिखाई, और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात जो वहां पर हो रही है उसकी तस्वीर जो आ रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जब कीव पहुंचे पीएम मोदी, भारतीयों से उन्होंने मुलाकात की, किस तरीके से पीएम का स्वागत किया आपने देखा, नारे वहां पर लगाए गए, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की पीएम मोदी ने, और साथ ही ज़ेलेंस्की से मिले पीएम मोदी, ये तस्वीर 4थी आप देख रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 24 फरवरी 2022 को जब रूस के हमले के बाद से अब तक नेटो देशों के अलावा किसी भी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है, और ऐसे में पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं तो उनकी मौजूदगी कीव में और महत्वपूर्ण हो जाती है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था, जिसके बाद अब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं।
युद्ध के खिलाफ पीएम मोदी पहले पोलैंड गए और पोलैंड से फिर सीधे 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके कीव पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात ज़ेलेंस्की से हो रही है। दोनों ही नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी और क्या संदेश यहां से देने की कोशिश की जाती है उस पर भी निगाहें लगातार बनी हुई हैं, देश की और दुनिया की भी। कीव में ही यह मुलाकात हो रही है दोनों की, यूक्रेन की राजधानी कीव में पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच में मुलाकात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तमाम तस्वीरें जो आगे भी वहां से आती रहेंगी उससे आपको रूबरू करवाएंगे।